अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ शोगी के किचन से। शगुफ्ता बात कर रही हूँ आपसे। आज हम बनाएंगे कीमा भरे करेले। कीमे भरे करेले जो हैं वो थोड़े मुश्किल से बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं, मेहनत वाले होते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। हम डाल रहे हैं इसमें हाफ कप ऑयल, और इसमें हम डालेंगे हाफ कप ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज को थोड़ा सा सॉटे करेंगे। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे, इसको थोड़ा भूनेंगे। इसमें हम मज़ीद मसाले डालेंगे। मैंने डाला है इसके अंदर टमाटर, एक कप टमाटर, चॉप किए हुए टमाटरों को। इसमें है धनिया, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून लाल वाली मिर्चें हैं, नमक है हसबे ज़ायका, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ ज़ीरा। अब हम इसको अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे, इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। थोड़ा पानी डाल के हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से टमाटर गल जाएंगे, भुन जाएंगे, फिर इसमें हम कीमा डालेंगे। कीमे को हमें गलाना होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रखेंगे। जब तक ये गलेंगे हम अपने मज़ीद काम कर लेंगे। करेले हम तैयार कर लेंगे, इनको छीलना है। इसको छील के इसके अंदर का जो बीज वगैरह होंगे वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें भरे हुए करेले बनाने। भरे हुए करेलों के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छी तरह से अंदर से उसकी बीज वगैरह सारे निकाल लें। करेलों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें मेहनत भी लगती है। इनको ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसमें टाइम लगता है। इसको नमक लगा के रखना पड़ता है, 10 मिनट के लिए नमक लगा के रखें आप, फिर उसको फ्राई करती हूँ। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि उसमें कड़वाहट नहीं होती है। मेहनत तो होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कड़वे नहीं होते। अब हमने इसको अच्छी तरह छील लिया है, सबको अंदर से भी सब निकाल लिया। अब इसमें नमक लगा के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इन्हें वॉश करके इसको फिर अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्के हल्के से करना है, ताकि वो फिर हम जब दम पे रखेंगे तो उसमें हमारी तैयारी हो जाएगी। अब हम अपने जो कीमा तैयार हो चुका है इसे हटा देंगे, और करेले हम थोड़े से इनको बॉईल करेंगे हल्का सा, ताकि ये बॉईल हो जाएंगे ना तो फिर ये पकने में आसानी होती है इनको, और इनकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। अब इसको ड्रेन कर लेंगे हम, ये बॉईल हो चुके हैं, इसको ड्रेन करके खुश्क कर लेंगे और इसको फिर हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल डाल के इसमें हल्का सा हाफ कप ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर, इनको फ्राई कर रही हूँ मैं। फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इनको क्रिस्पी नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इनको शैलो करना है। ये फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इनके अंदर स्टफिंग करेंगे। स्टफ करके इसमें थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, और मेहनत भी लगती है, लेकिन ये बनते बहुत मज़े के हैं। आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे, जो कीमा हमने तैयार किया है इसको हम स्टफ करेंगे। अब आप देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से करना है। इनको अच्छी तरह से स्टफ करके आपने रख लेना है, फिर इसमें धागा अच्छे तरीके से हम बांधेंगे। धागे से ये होता है कि इसमें जो हम स्टफिंग कर रहे हैं ये बाहर नहीं निकलती है, फिर आप जब खाएंगे तो उस वक्त धागे को हटा देंगे। इस तरह हम सारे करेलों में स्टफ कर लेंगे और धागे से इनको बांध देंगे। देखिए जैसे मैं बांध रही हूँ ना, इसी तरह आपको भी करना है। सारे करेलों को इसी तरह करके हम रख लेंगे साइड में। फिर हमारा जो कीमा हमने बनाया है उसके साथ हम इन्हें रख के और थोड़ी देर के लिए दम पे इन्हें रखेंगे। तकरीबन समझ लें 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें रखेंगे और ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे इतनी देर में।
अब ये देखें हमारा थोड़ा टाइम इनका हो गया है, अब आप देखें ये तैयार हो गए हैं हमारे करेले और बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त बने हैं बिल्कुल। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, देखें माशाल्लाह साइज़ भी इनका इतना माशाल्लाह अच्छा है, बड़े बड़े करेले हैं। मैंने देखे थे छोटे करेले मिल जाएं लेकिन मिले नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और बने भी बहुत अच्छे हैं, आप भी ट्राई करिएगा। इनकी गार्निशिंग हम करेंगे अब, इसको पर हरा धनिया हरी मिर्ची डाल देंगे। अब ये देखें कितने अच्छे तैयार हो गए हैं, आप भी इसको खाएं और बताएं बना के कैसे लगे आपको, बहुत अच्छे बने। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलूँगी, ज़रूर दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शोगी किचन। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।